आज के इस वीडियो पे हम जानेंगे कैसे हम लोग ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं एंड लोन को अप्रूव करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देख लेना अगर आपको भी लोन की रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन आप लोग जैसे ओपन कर लोगे आपके सामने कुछ स्टेप का डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाती है। तो यार देखो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का जो लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दिया, तो डिस्क्रिप्शन से जाके आप लोग इजीली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एंड डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपल सा मोबाइल नंबर देके इस पे साइन अप कर लेना है। जैसे आप साइन अप करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन है यहाँ पर दो तरह का लोन प्रोवाइड करती है। एक होती है कैश लोन जिसपे आपको अप टू 1,00,000 रुपीज तक आपको ऊपर मिल जाती है, एंड दूसरा होती है लेवल अप लोन जिसपे आपको जो अप टू 15,000 तक की आपको यहाँ पर लोन अमाउंट मिल जाती है। देखो सबसे पहले कैश लोन जहाँ पर आपको 5,000 से लेकर जो 1,00,000 रुपीज के बीच में मिल जाती है, दूसरा है लेवल अप जिसपे आपको 1,000 से लेकर 15,000 के बीच में आपको ऊपर लोन अमाउंट देखने के लिए मिल जाता है। तो देखो अभी बात आती है कि जैसे ही मान के चलो कि आपको लोन की रिक्वायर्ड है, तो आप लोग अगर आपको हायर अमाउंट की रिक्वायर्ड है तो आप लोग यहाँ पर ये कैश लोन के लिए अप्लाई कर देना। बट अगर आपको उतना ज्यादा पैसे की रिक्वायर्ड नहीं, आप चाहते हो कि लेवल अप लोन लेना, तो भी आप लोग इसे लेवल अप लोन के लिए अप्लाई कर देना। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ लेवल अप लोन के लिए। तो इसके लिए मैं जो लेवल अप लोन है इसको मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो सिंपल से जो लेवल अप लोन है ना इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप लेवल अप लोन के ऊपर क्लिक कर दोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का एक डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। देखो मैंने जो ऑलरेडी ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पे लोन लिया था इसलिए मेरा जो लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है, एंड इसलिए यहाँ पर मेरा देख सकते हो कि मेरा जो लेवल है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो लेवल है ना आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। वो दोस्तों कि मेरा जो लेवल है यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ट्रू बैलेंस पे लोन लिया था, एंड अभी फिलहाल मेरा जो लेवल है देख सकते हो 8 लेवल पे मैं हूँ, एंड मेरा जो लेवल का जो एलिजिबल अमाउंट है आप लोग देख सकते हो 20,000 तक मैं यहाँ पर जो लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। एंड सिर्फ आपको यहाँ पर विद इन 5 मिनट के अंदर आपको जो पैसा आपके बैंक खाते पे क्रेडिट हो जाती है, यहाँ पर आपको सिर्फ KYC करना है एंड आपका जो पैसा है विद इन 5 मिनट के अंदर आपके बैंक खाते पे क्रेडिट हो जाता है। देखो अब बात आती है कि मान के चलो कि आप जो इस पे लोन के लिए अप्लाई करने के लिए सिंपल से आपको करना क्या होगा, ये जो गेट दिस अमाउंट जो यहाँ पर आ रही है गेट दिस अमाउंट इस पर आपको सिंपली करना होती है क्लिक। तो जैसे आप लोग गेट दिस अमाउंट के ऊपर क्लिक कर दोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाती है जहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप कितने का लोन लेना चाहते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो 20,000 तक मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, बट यार अगर आप चाहते हो कि 20,000 ना लेके कुछ लोअर अमाउंट लेना तो सिंपल से ये जो चीज आ रही है इसको सिंपल से आप लोग यहाँ पर ड्रैग कर लेना, आपका जो लोन अमाउंट है थोड़ा सा कम हो जाएगा। एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो देख सकते हो मंथली 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका जो ये जो पैसा आपको मिलेगा, एंड आपको यहाँ पर जो 3 मंथ का EMI यहाँ पर आपको पेमेंट करना है, यानी कि 3 मंथ के लिए ये जो पैसा आपको मिलेगा एंड 3 मंथ के अंदर आपका जो पैसा आपको यहाँ पर पेमेंट कर देनी होती है। तो सिंपल से आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो यहाँ पर क्या किया था, मैंने यहाँ पर आप लोग देख सकते हो देन सिंपल से आपको क्या सिंपल से आप लोग जैसे ही यहाँ पर आ जाओगे तो मैंने इस पे क्या किया था, मेरा जो लोन अमाउंट है मैंने जो 15,000 इस पे सेलेक्ट किया था क्योंकि मुझे उतना ज्यादा पैसे की रिक्वायर्ड नहीं है। देखो अगर आपको जो 20,000 की लोन ऑफर आ रहा है एंड आप 20,000 अप्लाई करो तो होप कि आपको जो कुछ जो यहाँ पर चांस कम हो जाती है कि आपको यहाँ पर अप्रूवल आ जाए, आपको थोड़ा सा यहाँ पर कम कर देना। जैसे कि मैंने एक बार 15,000 किया है ठीक है ना, एंड EMI जैसे तो 11 सितंबर 11 अक्टूबर 11 नवंबर आ जाएगा। सिंपल से आपको ये जो अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है इस पर आपको सिंपली कर देना है क्लिक। जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर दोगे आपका जो है आपको जो कुछ यहाँ पर डिटेल्स देना होती है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आ जाएगा कि आपका जो लोन का जो पर्पस है वो क्या होने वाला है। तो देखो लोन का जो पर्पस है आपको यहाँ पर बिजनेस रखना है ठीक है ना, बिजनेस रखना है। देन आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको सिंगल में, जैसे कि मैं सिंगल हूँ, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड सेलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पर बात होती है एजुकेशनल लेवल, तो यहाँ पर मैंने मास्टर देकर रखा है। अगर आप मान के चलो आप लोग 10th pass हो 12th pass हो तो आप लोग सिंपल से आप लोग ग्रेजुएट दे देना, क्योंकि जो भी कंपनी लोन प्रोवाइड करती है वो लोग चाहते हैं कि हमारे जो लोन से एक एडुकेटेड पर्सन के पास जाए, क्योंकि उनको पता होती है सिविल के बारे में एंड वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि सिविल थोड़ा सा डाउन हो। तो यार आपको यहाँ पर सिंपल सा मास्टर्स या फिर जो भी आपका हायर एडुकेशन है आपको इस पर सिलेक्ट कर लेना है। देन आपका हाउसिंग टाइप आएगा जिसपे आपको सेल्फ ओन सिलेक्ट करना है कि आपका जो घर है आपका खुद का है। देन आपको यहाँ पर ऑक्यूपेशन जैसे तो मैंने सेलेक्ट सिलेक्ट कर रखा है, अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक कर देना। अगर आप चाहते हो सैलरी देना तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सैलरी देके भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। देन आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको एक रेगुलर एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेना है। वर्क पीरियड आपको 6 साल से लेकर 10 साल के बीच में आपको देना है। जैसे आप लोग इन सारी चीजों को यहाँ पर दे दोगे देन आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि जैसे आप लोग एडुकेशनल लेवल पे आओगे तो आपको यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर हायर एडुकेशन आपको हर बार सिलेक्ट करना है एंड आपका जो लोन है डेफिनेटली यहाँ पर अप्रूव हो जाती है। देन जैसे आप लोग इस पे दे दोगे देन मेरा जो है आप लोग देख सकते हो कंपनी नेम आपको यहाँ पर एक दे देना है, जैसे कि यार आप लोग देख सकते हो मैंने देखा रखा है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी यहाँ पर प्रूफ वगैरह देना होती है, सिंपल सा मैंने ई कॉमर्स सिलेक्ट करी क्योंकि मेरा जो फील्ड है जो इंडस्ट्री ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है, आपको भी इस तरह से आपको दे देना है। जैसे आप दे दोगे देन आपको यहाँ पर जो मंथली इनकम होती है आपका जो मंथली इनकम होती है वो आपको यहाँ पर देना होती है। देखो
यार मेरे केस में मेरा ऑलरेडी कुछ लोन चल रहा था, इसलिए मैंने जो मेरा जो मंथली इनकम है थोड़ा सा मैंने इंक्रीज करके दे दिया है। बट अगर आप लोग 35,000 से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप लोग 35 देकर भी अगर अप्लाई करोगे देन डेफिनेटली आपको अगर पैसा मिल जाएगा। देन आपका जो पैसा है आपका जो इनकम है कौन सी डेट पर आती है तो डेफिनेटली आपको करना क्या देखो, अगर आप मान के चलिए 10 तारीख को अपने लोन के लिए अप्लाई करिए ना तो आपको डेफिनेटली आपको 1 तारीख को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। अगर आप मान के चलो आप लोग एक आपका जो लोन ये में अगर आपका 5 तारीख को आने वाली है और आप दे दो कि 28-25 तारीख को आपका पैसा आती है तो उस दौरान आपका जो लोन है वो रिजेक्ट होने का चांस हो जाती है। तो यार आपको इस चीज का एक बार नोटिस कर देना है, ठीक है ना, नोटिस कर लेना। देन आपको सिंपल से इन सारी चीजों को देने के बाद सिंपल से आपको ये जो ईएस कन्फर्म का जो ऑप्शन आ रही है इस पर सिंपली आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप लोग ईएस कन्फर्म करोगे देन आपको यहाँ पर और कुछ चीजें देना होती है, जैसे कि आपको लोन के बारे में पता है, इन सारी चीजें आपको यहाँ पर सिंपली एंटर कर देना है, ठीक ना। जैसे आप एंटर करके सबमिट करोगे आपके सामने इस टाइप के डैशबोर्ड आ जाएगा, योर लोन इज अंडर इवैल्यूएशन, यानी कि आपने जो भी सारी चीजें इस पर दे दिया है उसको सिंपल से वेरीफाई किया जाएगा एंड आपको उसी देर के अंदर आपको यहाँ पर जो है आ जाएगी आपका जो लोन है आप लोग हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। आप लोग सिंपल से यहाँ पर चाहो तो नोटिफाई मी व्हेन इट इज अप्रूव के ऊपर क्लिक करके आप लोग रख सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जो किसी काम में बिजी हो तो आप लोग इसको भी क्लिक करके आप लोग इसको रख सकते हो। तो जैसे आप लोग नोटिफाई मी इट इज अप्रूव के ऊपर क्लिक कर दोगे देन सिंपल सा देख सकते हो कि मैंने जैसे ही अप्लाई किया यहाँ पर मुझे आ चुका है कि मैंने इस पर ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करी है एंड इस मैसेज पे आपको यही बताया जाती है कि आपकी अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप लोग सिंपल से डायरेक्ट जाके इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मैंने इस पर अप्लाई करी है तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर कैंसिल नहीं करना है। सिंपल से आप लोग जैसे ही थोड़ा सा वेट करोगे आपके सामने आ जाएगा कि आपको यहाँ पर अपना एक सेल्फी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे कि देख सकते हो आपका जो लास्ट स्टेप है जो लोन को अप्रूव होने के लिए जो लास्ट स्टेप है जैसे कि आपको यहाँ पर कोई भी मार्क्स वगैरह मुंह पे नहीं रहना चाहिए, कोई भी सनग्लास नहीं रहना चाहिए, मेंटेन गुड लाइट आपके पास होना चाहिए। मान के चलो कि आपका आप एक अंदर में हो एंड उस पर जाके आप लोग सेल्फी दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको ऐसा काम नहीं करना है। सिंपल से आई एग्री के ऊपर क्लिक करके आपको सिंपल से टेक ए सेल्फी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग टेक ए सेल्फी के ऊपर क्लिक कर दोगे आपका जो सेल्फी है आपको थोड़ा सा कुछ परमिशन यहाँ पर देना होती है, जैसे कि होएन इसको क्लिक कर देना एंड आपका जो यहाँ पर परमिशन यहाँ पर हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर एक सेल्फी आपको यहाँ पर इस तरीके से एक सेल्फी यहाँ पर आपको दे देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरा जो सेल्फी है मैंने दे दिया। सिंपल से कैप्चर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना आपका जो सेल्फी यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। जैसे सेल्फी यहाँ पर कैप्चर हो जाती है सिंपल से आपको करना है वेट कर लेना, आपके सामने इस टाइप का डैशबोर्ड आ जाएगा इन प्रोग्रेस लेवल ऑफ लोन, आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। जैसे आप लोग थोड़ा सा वेट कर लोगे आपके सामने आपका जो लोन है यहाँ पर अप्रूव होकर आ जाती है। देख सकते हो तो खैर मेरा जो लोन है यहाँ पर देख सकते हो 15 की यहाँ पर सक्सेसफुली कंग्रेचुलेशन योर लोन इज अप्रूव यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल से आपको करना है क्या, ये जो सी डिटेल्स का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप सी डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर दोगे आपके सामने आपका जो भी सारी ईएमआई होगा, जैसे देख सकते हो 15,000 के लोन से इस पर जो हमें जो भी कंपनी यहाँ पर लोन प्रोवाइड करे उसका जो नेम है आ जाएगा। देख सकते हो मेरा आ चुका है, आपका ईएमआई डेट कौन सी डेट पर आ रही है इसको आपको देख लेना है, आपका कितना ईएमआई बन रहा है वो भी आप लोग इस पर देख सकते हो। देन सिंपल से क्लिकिंग यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट दिस ऑफर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग एक्सेप्ट दिस ऑफर के ऊपर क्लिक कर दोगे आपके सामने आपका जो बैंक डिटेल्स आपका नेम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, बैंक का आईएफएससी कोड आ जाएगा। सिंपल से इसको देख लेना कि सही है कि नहीं, अगर सही है सिंपल से रिसीव मनी का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप लोग रिसीव मनी के ऊपर क्लिक कर दोगे आपका जो लोन का जो स्टेटस है आपके सामने कुछ स्टेप का आ जाएगा, प्लीज वेट द लोन विल बी डिसबर्स। आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, विद इन 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर वेट करना है। जैसे आप लोग वेट कर लोगे आपका जो लोन है यहाँ पर सक्सेसफुली जो है यहाँ पर क्या होती है आपका जो लोन है यहाँ पर डिस्पर्स हो जाती है एंड आपके पास आपकी अकाउंट पे 1 रुपये सबसे पहले सेंड कर दी जाती है आपकी अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। देन यहाँ पर देख दो प्लीज वेट यहाँ पर आ रही है, मुझे यहाँ पर 1 रुपीज क्रेडिट हो चुका था। देन आपको करना क्या, जैसे आपका 1 रुपीज क्रेडिट हो जाएगा देन उसी देर वेट करना, कुछ टाइम वेट करना आपके सामने आपका जो लोन ऑफर है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, आपका जो लोन का डिटेल्स है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आपका डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है आपका जो लोन अमाउंट है आपके बैंक खाते पे क्रेडिट हो चुका है। तो यार इसी टाइप से आप अपना जो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पे जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन की जो लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉरवर्ड कर दिया, तो डिस्क्रिप्शन से जाकर आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो एंड साथ में आपको कितने का लोन अमाउंट मिलता है जोर से कमेंट करके बताना। साथ में और एक प्लस पॉइंट बता देता हूँ कि अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे जाकर अप्लाई करते हो देन आपको हाई चांस हो जाती है कि आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाए। तो जाकर जोर से डाउनलोड करके अप्लाई कर लेना। तो होप कि इस वीडियो पे मैंने आपको बताया कि कैसे आप लोग ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पे जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड कैसे आपको भी कुछ इस तरीके के लोन अमाउंट मिलती है। तो यार अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहले से हमको सब्सक्राइब कर लेना और इसी टाइप का वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जोर से शेयर करिएगा। तो यार मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।